बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दाल चावल की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो दाल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। एक चम्मच नमक, एक चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला पाउडर, तीन जवे लहसुन के लिए इनको चॉप कर लिया है, दो हरी मिर्चें, एक कटोरी दाल चना, एक कटोरी दाल मसूर और एक लार्ज साइज़ का टमाटर ब्रीक काट के रख लिया है, एक लार्ज साइज़ का प्याज उसको ब्रीक काट के रख लिया है और मूंग की दाल है ये दो कटोरियों के बराबर है, इसको धो के रख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन में दो गिलास पानी के डाल देंगे, दाल मूंग धुली हुई, चने की दाल उनको पहले ही धो के रख लिया था, मसूर की दाल, प्याज, टमाटर, चॉप किया हुआ लहसुन, नमक, सूख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर ढक के पका लेंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, दाल अच्छे से नरम हो चुकी है। अब इसमें ब्रीक कटी हुई हरी मिर्च, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे, चंद पत्ते धनिया के और इसको मज़ीद एक मिनट के लिए ढककर पका लेंगे लो फ्लेम पे। दाल का तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले पैन में एक चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, गरम हो गया है, इसमें दो जवे लहसुन के ब्रीक काट के डाल देने हैं, तेज़पात, गोल मिर्चें, एक चम्मच जीरा, दाल पे तड़का लगाते हैं, तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार दाल। राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें एक बादियान का फूल, एक टुकड़ा दालचीनी, एक तेज़पात, एक चम्मच ज़ीरा डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। ज़ीरा भुन गया, अब इसमें एक सब्ज़ इलायची, एक चम्मच नमक ये डाल देंगे और चंद सेकंड्स के लिए चम्मच चलाते हुए इसको भी फ्राई कर लेंगे इलायची को। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे, जितने राइस लिए हैं उससे डबल पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसको ढक देंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें चावल शामिल कर देंगे जो हमने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, मीडियम फ्लेम कर देंगे। खुश्क हो गया है, अब 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे ताकि चावल नरम हो जाए अच्छे से। 10 मिनट हो गए हैं और चावल भी बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं, चलिए डिश आउट करते हैं। तैयार हैं बहुत ही मज़ेदार दाल चावल। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।